हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3। यहां पर हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ओके, किसके बारे में? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, आज के इस चैप्टर में टोटल हमारे सामने 7 कैटेगरीज आएगी। कितनी कैटेगरीज आएगी? 7। सबसे पहले हम जो कैटेगरीज देखेंगे वो देखेंगे हम स्पीसीज, सेकेंड उसके बाद हम देखेंगे जीनस, थर्ड हम देखेंगे फैमिली, फोर्थ हम देखेंगे ऑर्डर, फिफ्थ हम देखेंगे क्लास, सिक्स्थ हम देखेंगे फाइलम एंड सेवन्थ हम देखेंगे किंगडम। ओके, आप इनको ऊपर से नीचे भी याद कर सकते हो, ये आपके सामने सीक्वेंस है याद करने का। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ओके, ये सामने आपके सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी किंगडम ऐसे याद कर सकते हो। बट हम यहाँ पे नीचे से बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे जीनस पे, फिर उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और किंगडम, ऐसे चलेंगे हम। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाने के लिए पहले से ये जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको पिक्चराइज करके थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के। अब आपको पता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट है। कितने सारे प्रेजेंट है? बहुत सारे। ओके, उसमें आपका ह्यूमंस आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, आपके पोरीफेर आ जाते हैं, आपके प्लेटीएलमंथीज आ जाते हैं, आपके मोंकीज आ जाते हैं, आपके कैट्स आ जाते हैं, आपके डॉग्स आ जाते हैं, आपके लायन आ जाता है। तो बहुत सारे एनिमल्स जो वो अलग अलग आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं स्पीसीज। मैं आपको देखो पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ, पिक्चराइज करके आपको समझा देता हूँ, तो हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि हाँ इसको कैसे कैसे हमें याद करना है। ओके, एनिमल्स से चलेंगे हम, इसमें प्लांट्स वगैरह भी दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज की। सबसे पहली कैटेगरीज कौन सी ले रहे हैं? स्पीसीज ले रहे हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर इमेज आ चुकी है, ये तीन एनिमल्स है। कौन कौन सी है? टाइगर है, ओके, लियोपर्ड है, ओके, एंड लॉयन है। कितने एनिमल्स हैं? थ्री एनिमल्स, लॉयन, टाइगर एंड लियोपर्ड। अब ये थ्री एनिमल्स नहीं है, ये थ्री अलग अलग स्पीसीज है। ये थ्री अलग अलग क्या है? स्पीसीज है। अब हम कह सकते हैं कि ये बाकी सभी अलग है। यहाँ पे कैट्स, डॉग्स, आपके लॉयन, टाइगर, सब अलग अलग है, क्योंकि इनकी स्पीसीज जो है वो क्या है? अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर वाली कैटेगरीज में जाते हैं। अब हमारी पहली कैटेगरीज कौन सी थी? स्पीसीज थी। अब हम कहते हैं जीनस कैटेगरी में चलते हैं। जैसे ही हम जीनस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहां पर क्या होता है, आपके लॉयन, आपके लियोपर्ड, आपके टाइगर सब सेम हो जाते हैं। आप ये कह दिए पैंथेरा, अब हम इनको नाम क्या दे देते हैं? पैंथेरा। मतलब अगर आपने पैंथेरा कह दिया उसमें आपका लायन भी आ गया, आपका टाइगर भी आ गया, आपका लियोपर्ड भी आ गया, यानी तीनों क्या हो गए? बिल्कुल सेम हो चुके हैं। अब यहाँ पे वो अलग अलग नहीं रहे हैं, पैंथेरा कहते ही वो तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। बट अभी भी वो कैट्स एंड डॉग्स से अलग है। पैंथेरा तो तीनों सेम हो चुके हैं, बट अब ये नहीं कह सकते कि कैट्स और डॉग्स भी इनमें आते हैं। कैट्स और डॉग्स अलग अलग है, ये चीज आपको क्लियर है? ओके, सबसे पहले देखो तीनों अलग थे, फिर तीनों सेम हो गए, बट अब भी जो वो कैट्स और डॉग्स अलग अलग है। अब हम चलते हैं जीनस से नेक्स्ट पे और वो बात करते हैं हम फैमिली की। तो फैमिली में क्या होता है, आपके यहाँ पे कैट्स जो है उनके साथ आ जाती है। किसके साथ आ जाती है? पैंथेरा के साथ। अब यहाँ पे देखिए आपका लॉयन पहले अलग था, टाइगर अलग था, लियोपर्ड अलग था, वो दोनों तीनों सेम हुए और बन गया पैंथेरा। अब हम चले फैमिली में, तो फैमिली में आपकी जो कैट्स थी वो भी इनके साथ हो गई और ये सारी एक ही फैमिली बन जाती है, फेलिडी। कौन सी फैमिली बन जाती है? ये फेलिडी। मतलब अब इसमें कैट्स भी आ जाती है, आपके लॉयन, टाइगर वगैरह सारे आ जाते हैं। बट अभी भी जो है वो आपकी फेलिडी जो है वो अलग है। मतलब ये सारे एनिमल्स अब भी जो है वो कैट, डॉग्स से अलग हैं। ओके, डॉग्स जो है वो अब इनमें काउंट हम नहीं करेंगे, अभी भी ये अलग अलग है। यानी फैमिली जो है वो कैट्स की आती है कौन सी? फेलिडी। बट डॉग्स की कौन सी आती है? कैनिडी। ओके, ये चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, उससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। किससे एक स्टेप और आगे चलते हैं? अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद ऑर्डर की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जैसे ये ऑर्डर की बात करते हैं उससे हायर कैटेगरीज में जाते हैं, तो आपका जो लॉयन है, आपका जो टाइगर है, आपका लियोपर्ड जो है, अब कैट जो थे वो पहले सेम हो चुके थे, बट अब इनमें डॉग भी आ चुका है। डॉग भी एक ही ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे ये एनिमल्स एक ही ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं और वो ऑर्डर हो जाता है आपका कार्निवोरा। ओके, बट अभी यहाँ पे ये याद रखना कि ये जितने एनिमल्स है ये मोंकीज आपके ह्यूमंस इनसे अलग है। मोंकीज से, ह्यूमन से, ओके, इन सबसे क्या है? अब भी अलग है। ऑर्डर तो इनका अब भी एक आ चुका है, यहाँ पे कैट्स, डॉग्स, अगर आप ये कहते हो ऑर्डर कौन सा? कार्निवोरा, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, आपके कैट्स आ जाएंगे, आपके डॉग्स आ जाएंगे, आपके लॉयन, लियोपर्ड सब आ जाएंगे। ओके, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कैटेगरीज और अबव जाते हैं। जैसे ही एक कैटेगरीज और अबव जाते हैं तो अब हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे ह्यूमंस को भी।
ओके, किसको इंक्लूड कर लेंगे, ह्यूमंस को भी। अब हम क्लास के अंदर चले गए हैं, ओके, जैसे क्लास के अंदर चले जाते हैं तो सारे के सारे ये एक हो जाते हैं, आपका मोंकीज, ह्यूमंस, डॉग्स, ओके, आपके जो लॉयन थे, आपके कैट्स थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और यहाँ पे क्लास आ जाती है मेमेलिया, कौन सी क्लास आ जाती है, मेमेलिया क्लास आ जाती है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये कह देते हो मेमेलिया क्लास, आपसे पूछते हैं ये एनिमल्स किस में आ जाते हैं, आप ये कह देते हो मेमेलिया क्लास में आ जाते हैं, तो मेमेलिया क्लास में आपके ह्यूमंस, आपके मोंकीज, आपके डॉग्स, आपके कैट्स, ओके, आपके लॉयन वगैरह, ये सारे के सारे इसी क्लास के अंदर आ जाते हैं। फिर कहते हो अच्छा ये औरों से कैसे अलग है, तो अभी भी देखना बर्ड्स अलग है क्योंकि उनकी क्लास अलग है, उनकी क्लास आ जाती है एवीज क्लास आ जाती है, तो वो अभी अलग है, इन सबसे वो क्या है, अलग है, बर्ड्स अभी भी इनके अंदर नहीं आया है। तो अब हम इनको बर्ड्स को और इन एनिमल्स को अगर जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक अपर लेवल में चले जाएंगे और वो है कौन सा, फाइलम। हम कह देते हैं जी कोडेटा, हम क्या कह देते हैं, कोडेटा। अगर हमने कोडेटा कह दिया तो कोडेटा में आपके ये सारे तो आ ही चुके हैं, मेमेलिया क्लास तो आ चुकी है, अब बर्ड्स भी एक साथ आ चुके हैं, अब क्या आ चुके हैं, बर्ड्स भी इनमें एक साथ जुड़ चुके हैं। अब आपके बर्ड्स, आपके रेप्टाइल्स, ओके, आपके जितने भी ये एक्वेटिक फिशेज वगैरह हैं, ये सब कुछ कोडेटा के अंदर आ चुकी है, ओके, ये सब कुछ किसके अंदर आ चुकी है, कोडेटा के अंदर आ चुकी है। अब अगर आप ये कहते हो कोडेटा, तो कोडेटा के अंदर आपके बर्ड्स आ जाएंगे, आपके ये डॉग, कैट, मैमल सब आ जाएंगे, ओके। फिर अब भी ये अलग हैं, अब ये किससे अलग हैं, अभी भी ये अलग है आपके इंसेक्ट से, इंसेक्ट अभी भी इस क्लास में नहीं आते, इस फाइलम में नहीं आते, क्योंकि उनकी फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है। अब हम एक कैटेगरी और बढ़ा देते हैं, अब जैसे ही हम एक कैटेगरी और बढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे किंगडम की, और किंगडम में ये किस में आ जाएंगे, एनिमेलिया किंगडम में आ जाएंगे, यानी सारे के सारे ये क्या हैं, एनिमल्स हैं। अब अगर आप ये कहते हो एनिमल्स, तो एनिमल्स में आपके सब आ जाएंगे, आपके इंसेक्ट आ जाएंगे, आपके बर्ड्स आ जाएंगे, आपके रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ओके, आपके मोलस्का आ जाएंगे, आपके ऑक्टोपस, सब जितने एनिमल्स हैं, अगर आपने ये कह दिया किंगडम एनिमेलिया, तो वो सारे के सारे एक साथ आ गए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, यानी हम सबसे पहले देखो यहाँ पे स्पीसीज के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लायन, लियोपर्ड वगैरह भी अलग अलग थे, थोड़ा सा और ऊपर गए तो वो सेम हो गए, थोड़ा और ऊपर कैटेगरी गए तो उसमें कैट्स भी आ गए, थोड़ा और ऊपर गए तो डॉग कैट सब एक साथ हो गए, थोड़े से और ऊपर गए तो यहाँ पे उसमें सारे आ गए, आपके मोंकीज वगैरह भी आ गए, तो उससे थोड़ा और ऊपर कैटेगरी गए तो वहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी सारे आ गए, उससे ऊपर गए तो यहाँ पे आपके इंसेक्ट वगैरह सारे एनिमल्स एक साथ आ गए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, ओके। अब देखिए ये जो हमने कैटेगरीज बनाई है, आपकी स्पीसीज बनाई है, ये सब कुछ बनाया, इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे पहले आपको क्लियर है ये सेवन जो कैटेगरीज बनी थी ये क्या बनी थी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके। अब हमने इनको एक अरेंज कर दिया ना ऑर्डर, मतलब स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ये जो एक अरेंजिंग ऑर्डर है ना, अरेंजिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। देखिए पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी अच्छे से रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या चीज़ों की हम बात करें, ओके। पहले हमने सेवन कैटेगरीज बनाई, फिर उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जो ऑर्डर में अरेंज किया वो क्या था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोन जो यहाँ पे वर्ड आता है उसके हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से बात कर चुके हैं, पूरा अच्छा आपको समझा चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, बट अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो अब मैं आपको दोबारा टैक्सोन भी वर्ड बता देता हूँ। टैक्सोन यहाँ पे ये समझिए, आपका जो लॉयन था उसकी एक अलग स्पीसीज थी, आपका टाइगर था उसकी अलग स्पीसीज थी, आपका लियोपार्ड था उसकी एक अलग स्पीसीज थी, बट वो जो स्पीसीज थी वो एक अलग अलग टैक्सोन भी थे, ये एक अलग टैक्सोन, ये एक अलग टैक्सोन, ये एक अलग टैक्सोन, इसको ऐसे समझिए, मतलब लॉयन है, लॉयन में उसमें मेल भी आएंगे, उसमें फीमेल भी आएंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो भी सब आएंगे, तो एक पूरा ग्रुप बन जाएगा ना, सिर्फ लॉयन लॉयन का एक ग्रुप बन जाएगा ना, उसमें मेल फीमेल चिल्ड्रन वगैरह उनके जो बच्चे वगैरह सब आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, ये लॉयन लॉयन का ग्रुप बन गया, तो इसको बोलते हैं टैक्सा, उसको बोलते हैं क्या, टैक्सा, टैक्सोन। ऐसे ही आपका टाइगर का, टाइगर में उसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं टैक्सा, ओके। ये दो अलग अलग टैक्सा हो गया, एक कौन सा हो गया आपका लॉयन वाला, एक कौन सा हो गया टाइगर वाला, ओके। ये इसको ऐसे हम बोलते हैं टैक्सोन, ये एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है स्टार्ट, ओके तो ये इसको हम टैक्सन बोलते हैं। अब कैटेगरीज आपको हायरार्की वगैरह सब समझ में आ चुका होगा, अब यही सब कुछ हम इस एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं, तो अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर सीक्वेंस, आप ये कह सकते हो कि सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, मतलब एक सीक्वेंस में रहेगा, मतलब जैसे, ओके।
ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी, और हर एक स्टेप जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक कैटेगरीज को रिप्रेजेंट। देखो जैसे मैंने टैक्सोनॉमिक हायरार्की सीक्वेंस बताया था ना, मतलब आपके स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है क्या, ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग किसको, कैटेगरीज को। ओके, ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, अलग कैटेगरी, अलग कैटेगरी, तो ये रिप्रेजेंट करती है हर एक अलग अलग कैटेगरी को, बट उसमें सीक्वेंस होता है। सिंस द कैटेगरी इज नॉट ए पावर पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, देखिए कैटेगरी जो है वो पूरे ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है, ये तो आपको पता है, यानी स्पीसीज पूरे एक का पार्ट है, सेवन की सेवन कैटेगरीज में एक स्पीसीज अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, उसी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब आपको क्लियर हो गया ना कि स्पीसीज को हमने कैटेगरी क्यों बोला, जीनस को क्यों बोला। ओके, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हुआ। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मैंने कहा था ना सभी को हम सेवन की सेवन कैटेगरीज को मिला देंगे और ये बन जाएगी एक हायरार्की, यहाँ पे सीक्वेंस है, अच्छे से ऑर्डर में है ये, तो इसी को बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट आगे देखो लिखा हुआ इन्होंने, ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक जो कैटेगरी है वो चाहे स्पीसीज हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका ऑर्डर हो, वो सब कुछ किसको रेफर करता है, ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक। अब रैंक भी तो डिसाइड करता है वो। ओके, जैसे मैं कह दूं स्पीसीज, तो स्पीसीज रैंक डिसाइड कर देगा ना, यानी बिल्कुल अलग हो जाएगा वो, बिल्कुल अलग चला जाएगा, हाँ ये ना, मतलब पैंथेरा लियो, अब यहाँ पे लियोपर्ड से भी अलग हो गया, एक अलग रैंक डिसाइड हो गया उसका। ओके, वो लियोपर्ड से भी अलग हो गया, टाइगर से भी अलग हो गया, लायन भी से भी, तो ये रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये इस स्पेसिफिक रैंक की हम बात करें, स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, और मैंने ये बता दिया था कि हर एक अलग अलग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, अब इन्होंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की के लिए एक एग्जांपल दिया। देखो, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेंग्स। अब देखो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का एक अलग ग्रुप होता है, हम अर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते हैं, इंसेक्ट क्लास अलग से होती है, तो अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा, हमेशा थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे, थ्री पेयर्स का मतलब टोटल सिक्स लेग्स होंगे, थ्री इस साइड होंगे और थ्री इस साइड होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो वो क्या हो जाता है, थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हो जाते हैं, वो इंसेक्ट का एक खास फीचर है। ओके, इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंसेंट्रेट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। तो जब भी हमें कोई ऐसे थ्री पेयर ऑफ लेग्स दिखाई देंगे, मतलब थ्री इधर और थ्री इधर ऐसे लेग्स दिखाई देंगे, तो हम डायरेक्ट एक रैंक दे दिया कि हाँ ये जो है वो किस में आता है, इंसेक्ट्स में आता है, तो वो एक रिप्रेजेंट कर देता है किसको, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर देता है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप बहुत सारे बता सकते हो, एनिमल किंगडम में तो ऐसे भरे पड़े हैं। ओके, एनिमल किंगडम में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अलग हम फाइलम पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाती है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, अब ग्रुप्स जो है मतलब जैसे ग्रुप एक रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरीज को, कैसे, देखो लॉयन पूरा एक ग्रुप था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉयन को। लियोपर्ड पूरा एक ग्रुप था, मेल फीमेल सब, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, अब कैटेगरी जो बन जाती है अलग अलग, वो एक रैंक को डिसाइड कर देती है, मतलब ये सारे हम बात कर रहे थे तो ये किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज की, ये एक रैंक बन चुकी है। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और यही जो रैंक बन चुकी है धीरे धीरे, यही क्या बता रही है, यही बता रही है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ओके, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मर्ली ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब देखिए ये जो ग्रुप्स बनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम बाहर से देख के बना दें, सिंपल सा कि ऐसा है भैया, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल नहीं, हम उसको पूरा एक बायोलॉजिकल उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ स्टडी करने के बाद जाकर एक ग्रुप और एक कैटेगरी बनती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ भी देख लिया तो हमने कह दिया कि ये ठीक है। वैसे तो कौवा और कोयल भी दोनों ब्लैक दिखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को ब्लैक कह के ये कि ऑर्गेनिज्म में डाल दें, तो उनके स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर सब कुछ जो है वो देखना पड़ता है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हम नहीं देख पा सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें देखने के बाद उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज टू ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन,
डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, हमने फाइलम ही यूज किया क्योंकि हमने एनिमल्स के ही एग्जांपल लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, देखो टोटल 7 हो चुकी है। सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने दिया किंगडम, सेकंड इन्होंने दिया फाइलम। अब फाइलम और डिवीजन एक ही है, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ओके सेकंड हो गया। थर्ड हम चलते हैं क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स जीनस, सेवन्थ स्पीसीज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था हम यहाँ पे टोटल 7 कैटेगरीज लेंगे, ये टोटल 7 कैटेगरीज है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम है स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। अब जो स्पीसीज है उसको हम बिल्कुल लोवेस्ट रखते हैं, बिल्कुल लोवेस्ट, बिल्कुल लोवेस्ट क्यों, क्योंकि वहां पे सभी अलग अलग होती हैं, सभी अलग अलग है, बिल्कुल लोवेस्ट है। ओके तो इसके लिए हम स्पीसीज को बिल्कुल अलग रखते हैं। देखो स्पीसीज पे क्या था, लॉयन अलग था, टाइगर अलग था, लियोपॉड अलग था, पर जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते गए तो वहां पर क्या हुआ, आपके सारे एनिमल्स धीरे 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 एक साथ आते गए। ओके तो सबसे बेसिक हम किसको लेंगे, स्पीसीज को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सबको अलग अलग रख सकते हैं। ओके बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपके एनिमल्स जो है वो सारे एक साथ होते जाएंगे, तो उनके जो कॉमन करेक्टर है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब देखो पहले क्या था, लॉयन अलग दिखाई दे रहा था, लियोपॉड अलग दिखाई दे रहा था, टाइगर अलग दिखाई दे रहा था, कैट्स बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे, डॉग्स अलग दिखाई दे रहे थे, तो इनके कॉमन करेक्टर बिल्कुल अलग अलग थे। पर अब क्या हुआ, कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, कॉमन करेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि उसमें कैट्स भी आते जाएंगे, उसमें डॉग्स भी आते जाएंगे, उसमें मॉन्कीज भी आते जाएंगे, उसमें ह्यूमन भी आते जाएंगे। पर अगर आप ह्यूमन और लॉयन की बात करें तो इनके कॉमन करेक्टर तो बहुत ज्यादा अलग हो गए ना, तो कॉमन करेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ये आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे समझाया आपको। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरीज के अंदर हम उसको रख पाए, ये हमारे सामने क्वेश्चन उभरता है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने कहा है कि अब उनको कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे उनको एक कुछ बेसिक करेक्टर लिए जाते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर इन एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनिज्म। तो हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहां पर हम उनको करेक्टर्स पता होने चाहिए। जब हम उनके करेक्टर्स पता होते हैं तभी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनको ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके करेक्टर्स पता होना चाहिए, और जब जैसे करेक्टर पता हो जाते हैं तो देखिए, दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब उनके करेक्टर्स हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर है, ये डिसिमिलर है। ओके जैसे लॉयन और लियोपॉड बहुत सेम लगते हैं, बट जैसे ही हम उनके करेक्टर पता चलते हैं तो वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। ओके अब हम सबसे पहली कैटेगरीज की बात करने वाले हैं, सबसे बेसिक कैटेगरी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्पीसीज। ओके वो क्या है, स्पीसीज है। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई कैरेक्टर्स, सबसे ज्यादा अगर कोई सिमिलर होंगे तो वो स्पीसीज के अंदर ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो होते हैं उसमें सेपियंस क्या है, ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज है। अब ह्यूमन बींग्स में जितने करेक्टर मिलते हैं वो शायद दूसरे अदर एनिमल में किसी में भी नहीं मिलते हैं। मतलब एक आप हो ओके और एक अमेरिका का बच्चा है, तो आप में जितने करेक्टर मिलते होंगे दिखने में, बिहेवियर में, तो वो बहुत ज्यादा सेम है एज कंपेयर टू मॉन्की। ओके तो यहाँ पे यानी स्पीसीज के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज वो सबसे ज्यादा होती है, यानी सबसे ज्यादा करेक्टर यहीं पे मिल सकते हैं। अगर आप मिलाने जाओगे एक दूसरे से तो आपके क्लासमेट भी आपसे अलग दिखता है, बट दोनों होमोसेपियन है तो आपके करेक्टर बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल सिमिलरिटी है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब यहाँ पे एक से दूसरी डिफरेंट स्पीसीज को हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से पता कर सकते हैं। ओके यहाँ पे कि वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हम पता कर सकते हैं कि ये स्पीसीज अलग है और ये स्पीसीज अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल बताया, लेट अस कंसिडर मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका का हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल वगैरह कर चुके हैं। ओके तो इंडिका यहाँ पे स्पीसीज है, यानी स्पेसिफिक एपिथेट। मैग्निफेरा क्या है, यहाँ पे जीनस है, वो जीनस नेक्स्ट कैटेगरी आएगी। देखिए मैग्निफेरा इंडिका क्या होती है, मैंगो। सोलेनम ट्यूबरेसम क्या होता है आपका, पोटेटो। एंड पेंथेरा लियो यहाँ पे क्या है, लॉयन है। तो अगर आपके सामने ये तीनों रख दे, कौन कौन सा, मैंगो आपके सामने, पोटेटो और आपके सामने लॉयन, तो आप समझ जाओगे ये तीनों तो बहुत ही अलग अलग है, यानी अलग अलग स्पीसीज है।
ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरसम एंड लियो ये क्या है स्पीसीज है। मैंने बताया था ना सेकंड नेम जो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज होता है। तो यहाँ पे देखिए इंडिका ट्यूबरसम एंड लियो ये तीनों के तीनों क्या है डिफरेंट स्पीसीज है रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज की बात करें। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलेनम पेंथेरा आर जेनरा यानी वो जीनस है ये जो हमारे सामने फर्स्ट नेम होता है उसका उन्हें बताया था कि वो किसमें होता है जीनस के अंदर आता है एंड रिप्रेजेंट अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी ओके और ये जो है वो अदर हायर लेवल मैंने बताया था ना बेसिक स्पीसीज उसे हायर चलते जाएंगे अब जीनस जीनस के बाद आता जाएगा हायर फैमिली फैमिली के बाद हायर आता जाएगा ऑर्डर ऐसे चलते रहेंगे अब ओके। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट अब देखो एक जीनस के पास एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे चुका हूं वही जीनस के अंदर इन्होंने दिया है पेंथेरा पेंथेरा जीनस सेम है पेंथेरा लियो लायन हो गया पेंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो गया अलग अलग होते हैं अभी आएगा स्टार्टिंग के अंदर देख रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर देखिए फोर एग्जाम्पल पेंथेरा अब इन्होंने दे दिया है फोर एग्जाम्पल पेंथेरा स्टार्टिंग है एनसीईआरटी का ही बताया था मैंने। पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक कॉल्ड टाइग्रिस अब देखो पेंथेरा लियो मतलब लॉयन पेंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर सोलेनम में भी ऐसा ही है सोलेनम में देखो सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेनोगा तो यहाँ पे सोलेनम जो स्पीसीज थी हमने सोलेनम ट्यूबरसम पढ़ा था तो सोलेनम में भी अलग होता है पहले सोलेनम नाइग्रम और सोलेना मेलेगना ओके ये भी प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में ये अलग अलग स्पीसीज हो चुकी है। ह्यूमंस की मैं बता चुका हूं सेपियंस ये देखिए ह्यूमंस बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस ह्यूमंस की होमो सेपियंस तो सेपियन क्या हमारी स्पीसीज है विच इज ग्रुप्ड एज द जीनस होमो और जीनस क्या हो गया होमो हो गया तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा होमो सेपियंस दिस साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस तो इसीलिए ह्यूमंस का नाम क्या हो गया होमो सेपियंस हो गया। ये बिल्कुल बेसिक कैटेगरी की बात की इन्होंने जीनस के बारे में बताया कि वहां पे सबसे फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी यानी कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जीनस के अंदर देखो जीनस आ चुका है जीनस कॉम्प्रोमाइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन अब यहाँ पे देखो ज्यादा कैरेक्टर कॉमन हो जाएंगे और ज्यादा कैरेक्टर ले लेंगे वही कॉमन रहेंगे जो पहले थे वो नहीं रहेंगे। अब टू स्पीसीज टू ऑफ अदर जेनरा वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी यही जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है उसका अगला फॉर्म जो होता है वही क्या होता है आपका जेनरा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं प्लांट्स का भी बता रहे हैं ये साथ के साथ एनिमल्स का भी बता रहे हैं हमने केवल स्टार्टिंग में आपको एनिमल्स बताया था ओके। देखिए पोटेटो एंड ब्रिंजल पोटेटो और ब्रिंजल आपको दिखाई देते हैं तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं आर टू डिफरेंट स्पीसीज बिल्कुल अलग अलग स्पीसीज है बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम पर ये दोनों के दोनों सोलेनम से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं ये सोलेनम से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था वो आ चुके हैं तीनों के तीनों देखो लॉयन पेंथेरा लियो लियोपर्ड पेंथेरा पार्डस एंड टाइगर पेंथेरा टाइग्रिस तीन अलग अलग स्पीसीज जेनरा बिल्कुल सेम लियो पार्डस एंड टाइग्रिस स्पीसीज अलग अलग थी बट यहाँ पे आते ही आप पेंथेरा बोल दो पेंथेरा के अंदर तीनों आ जाते हैं विद सेवरल कॉमन फीचर अब भी इनमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कॉमन है बट उतने नहीं है जितने स्पीसीज लेवल पे थे हाँ ये ना स्पीसीज लेवल पे तो आप देख के ही बोल सकते हो हाँ ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बट कुछ सेवरल कॉमन फीचर हैं बट उतने नहीं है कुछ डिक्रीज हो चुके हैं ओके। एट ऑल द स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथेरा सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं पेंथेरा के अब देखो यहाँ पे अलग अलग है इन्होंने बोल दिया कैट अलग है देखो द जीनस डिफर फ्रॉम अदर फेलिस फेलिस क्या है अलग है फेलिस यानी आपकी कैट्स जिसके अंदर आती हैं आपके क्या कैट्स तो फेलिस जो जीनस है जो कैट्स में आते हैं वो अलग अलग है मतलब यहाँ पे आपके लॉयन लियोपर्ड कैट्स से बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फैमिली की तरफ अब अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गए तो बहुत आसान है फैमिली अब नेक्स्ट हायर कैटेगरी आ चुकी है स्पीसीज स्पीसीज के बाद जीनस अब और कैटेगरीज आ चुकी है अब यहाँ पे कैट एक साथ हो जाएगी डॉग ये अलग रहेगा। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा अब ये जितने जेनरा था उनको साथ कर दो विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज अब उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं रही है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज जैसे मैंने कहा था ना जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे तो सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाएगी
फैमिलीज आर करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके, क्योंकि ऐसी ही लाइन होती है, वही नीट में क्वेश्चन आता है। तो देखो, फैमिलीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे फैमिलीज के अंदर हम दोनों करेक्टर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव करेक्टर भी लेते हैं और वेजिटेटिव भी करेक्टर लेते हैं प्लांट स्पीसीज के अंदर। ओके, अमॉन्ग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट्स का बता रहे हैं, थ्री डिफरेंट जेंड्रा, अब देखो तीन डिफरेंट जेंड्रा एक ही बन जाएगा, सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों अलग अलग क्या हैं, जीनस थे, अलग अलग जीनस थे, बट इनकी फैमिली क्या हो चुकी है, सेम सोलेनेसी, फैमिली इनकी क्या हो चुकी है, सोलेनेसी। मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में हम सोलेनेसी फैमिली के बारे में अच्छे से डिटेल में भी पढ़ते हैं, तो इन तीनों की फैमिली क्या हो चुकी है, सोलेनेसी हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एनिमल्स की बात कर लेते हैं। Among animal, for example, genus Panthera, compromise lion, tiger, leopard is put along with genus Felis. Okay, अब ये सारे के सारे एक साथ आ चुके हैं, Felidae के अंदर आ चुके हैं, in the family Felidae. Okay, clear आपको? अब ये कौन कौन से आ चुके हैं, अब देखो lion, leopard, cat वगैरह सब एक साथ आ चुके हैं, but अभी भी dog इनसे अलग है, dog family इनकी सेम नहीं है, dogs और cats की फैमिली जो है वो अलग अलग होती है। Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different family. अब cats और dogs की अलग अलग family है, cats की जो family है वो कौन सी है, Felidae, dogs की कौन सी है, Canidae। ये आपको clear है, यहाँ पे अलग अलग है। Next हम आप आ जाते हैं order के अंदर, अब order के अंदर ये सारे एक साथ आ जाएंगे, cats, dogs, lion वगैरह सब एक साथ आ जाएंगे। You have seen earlier that categories like species, genus, family are based on number of similar character. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of character. अब यहाँ पे characters जो है वो बहुत ज़्यादा एक साथ मिलते जाएंगे, character कुछ 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 character मिलते जाएंगे, बट उतनी ज़्यादा similarities नहीं रहेगी। Order being a higher category, order और ज़्यादा उससे higher है, family से higher है। It is assemblage of families. अब यहाँ पे सारी की सारी families है वो assemble हो जाती है। जैसे आपने देखी होगी वहां पे कैप्टन अमेरिका बोलता है ना लास्ट एवेंजर एंड गेम में, एवेंजर्स असेंबल, ऐसे ऑर्डर बोलता है, फैमिलीज असेंबल, और सारी की सारी फैमिलीज एक साथ। इन विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, दी सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडिंग इन ए फैमिली। वही बात कर रहा है कि सिमिलर कैरेक्टर थोड़े से कम होते जाएंगे। प्लांट्स फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अब यहाँ पे देखिए दो फैमिलीज आपकी कौन कौन सी, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। अब ये याद रखना है, ऐसा ही आता है क्वेश्चन नीट के अंदर कि यहाँ पे आपके पॉलीमोनियल्स के अंदर कौन कौन सी जो फैमिलीज आती है, तो याद रखना ये दो है, तो ये दोनों के दोनों इंक्लूड कर लेना, ऐसा ही नीट में क्वेश्चन आ सकता है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स द एनिमल लाइक ऑर्डर कार्निवोरा। और इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी है ना, हमने ले लिया है क्या, कार्निवोरा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर, और इसके अंदर आपकी फैमिलीज दोनों आ चुकी है, फेलिडी और कैनेडी, यानी आपके कैट्स डॉग सब एक ही ऑर्डर के अंदर आ चुके हैं, वो है कार्निवोरा। बट याद रखना अभी भी ये मोंकी से अलग है, ह्यूमन से अलग है। ओके, अब आपके सामने आता है नीट 2017 का वो क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ऑर्डर पूछा गया है, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, कौन सा इनमें से हॉर्स का जो ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट करता है। चार आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, इक्विडी, ओके, पेरिसोडेक्टाइला, कैबेलस एंड फेरस। ओके, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है। देखिए जो बहुत पुरानी एनसीईआरटी है ना, बहुत पुरानी, आज से 10-12 साल पुरानी जो एनसीईआरटी है, उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर जो हॉर्स था उसका इवोल्यूशन दिया हुआ था कि वो कैसे इवोल्व हुआ है, तो वहां सब कुछ बताया गया था, बहुत पुरानी एनसीईआरटी के अंदर बताया गया था ये। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि वो पोर्शन जो है वो हॉर्स वाला हटा दिया गया। वैसे ये इवोल्यूशन चैप्टर से आता है क्योंकि पहले वहाँ पे इनके नाम वगैरह ऑर्डर वगैरह दिए गए थे पुरानी एनसीईआरटी में, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसीलिए इसको चैप्टर इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो देखिए फेरस जो दिया हुआ है, फेरस आपका आता है स्पीसीज के अंदर, फेरस किसके अंदर आता है, स्पीसीज के अंदर। कैबेलस जो आता है वो सब स्पीसीज, अब स्पीसीज की भी सब स्पीसीज होती है उसकी बात नहीं करेंगे, बस जो कैबेलस होता है वो सब स्पीसीज ऑफ हॉर्स में आता है। ओके, इक्विटी जो होता है वो आपकी फैमिली में आता है, जो पैराडक्टाइलस होता है वो आता है आपका ऑर्डर में, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पैराडक्टाइलस, क्योंकि वो होता है हॉर्स का ऑर्डर। ओके, अब आप पूछोगे कि इसकी क्लास कौन सी आ जाएगी, क्लास इसकी आ जाएगी मैमेलिया, फाइलम आ जाएगा इसका कोडेटा, और किंगडम आ जाएगा इसका एनिमेलिया। बाकी आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, ये भी सारी चीज़ें हमने बता दी है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ।
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अब क्लास में क्या होगा, सारे ऑर्डर एक साथ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कॉम्प्रोमाइज मॉन्की गोरिला गिबन। अब प्राइमेटा हम भी आते हैं, तो मॉन्की गोरिला गिबन ह्यूमन वगैरह जो थे उनका अलग ऑर्डर था, ओके okay? और कार्निवोरा जिनके अंदर ये कैट डॉग आते हैं उनका अलग ऑर्डर था, बट अब एक साथ आ जाएंगे क्लास में और वो आ जाएंगे मेमेलिया। प्लेस इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, यानी यहाँ पे दोनों ऑर्डर आ जाएंगे, प्राइमेटा और आपके कौन से कार्निवोरा, सारे के सारे मेमेलिया में आ जाएंगे। दिस इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट डॉग, सारे एक साथ, सब एक साथ कर दिए इन्होंने। नेक्स्ट आगे देख चलते हैं फाइलम। अब यहाँ पे क्या होगा, फाइलम के अंदर जितने भी आपकी क्लासेस थी वो एक साथ हो जाएगी, फाइलम कोडेटा बन जाएगी। क्लासेस कॉम्प्रोमाइज एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब ये जो आपके फिशेस आते हैं एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स आते हैं वो एक ही फाइलम में आते हैं, वो फाइलम होती है कोडेटा एनिमल किंगडम के अंदर। अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में सारे अलग अलग फाइलम आपको, बहुत अच्छे इनके करेक्टर इनके एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल है 100-120 के आसपास, ओके तो आप तो वैसे ही परेशान होने वाले। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, क्योंकि ये फीचर होता है कोड डेटा के, वहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होता है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम भी होता है वहाँ पर, आर इंक्लूडेड द फाइलम कोड डेटा। तो आपके इसीलिए फीसिस एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड मेमल सब कुछ किस में आ चुके हैं, फाइलम कोड डेटा के अंदर आ चुके हैं, बट अब भी ये अलग अलग फाइलम है। इंसेक्ट जो है उनकी फाइलम अलग है क्योंकि वो अर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, ओके। इन द केस ऑफ प्लांट्स, ओके यहाँ पे देखो फाइलम नहीं होता, यहाँ पे डिवीजन होता है। इन द केस ऑफ प्लांट्स cases with a few similar characters are assigned to a higher category called division। तो अगर plants की बात करें तो वहाँ पे division होगा, और animals की बात करें तो वहाँ पे हम phylum लेंगे, बात एक ही है, but वो plants और animals के लिए बस यहाँ पे अलग कर दिया। Next अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे kingdom की बात करें, अब kingdom में क्या होगा, सारे के सारे animal एक साथ आ जाएंगे, okay? तो यहाँ पे देखो kingdom, all animal belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom animalia, यानी सारे animal एक साथ, kingdom plantae सारे plant एक साथ, ओके। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम प्लांटी ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्रोमाइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस। तो मैंने बता दिया किंगडम अलग अलग है, अब भी एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स, देयरफॉर वी रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अब भी किंगडम रहते हैं, ओके। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर इन द स्टार्टिंग विद द फिगर। ये फिगर अभी हम देखते हैं, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिक हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, इनके सब कैटेगरीज भी होती है, ओके। सब कैटेगरीज जैसे हमने पढ़ा था ना, भी स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज होती है, फैमिली के अंदर सब फैमिली होती है, ऐसे जब हम आगे ऐसे चलता रहता है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज सब कैटेगरीज बनती रहती है। इन दिस हायरार्की द फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, इसीलिए यहाँ पे और ज़्यादा टैक्सा को हम ला पाएँ, यानी और ज़्यादा ग्रुप्स को हम वहाँ पे रख पाएँ, इसलिए अलग अलग इनकी और सब फैमिली सब ग्रुप्स ऐसे सब ऑर्डर ऐसे बनते रहते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे इन्होंने बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार जो ये फिगर देख लीजिए, तो हम अब ये फिगर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिगर के अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने स्पीसीज की बात की, फिर उससे हायर चले जाते हैं जीनस, उससे हायर फैमिली, उससे हायर ऑर्डर, उससे हायर क्लास, उससे हायर फाइलम डिवीजन, उससे हायर किंगडम। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, याद रखने का तरीका है कीप, ओके, कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम, क्लास से, ओके, कीप पॉट क्लीन, क्लीन से क्लास, अदरवाइज से यहाँ पे ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक्स से स्पीसीज। इस तरह याद रखना चाहते हो, ऐसे डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट याद कर लो, ओके। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मैं ये आपको शायद इसमें रिपीट कर चुका हूँ 10-12 बार, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो कॉमन करेक्टर होते हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं। अब देखो लॉयन था, उसमें लॉयन वाले अलग करेक्टर दिखते हैं, टाइगर वाले अलग करेक्टर दिखते हैं, लियोपर्ड वाले अलग करेक्टर दिखते हैं, यानी सबके अलग अलग करेक्टर हैं। पर पैंथेरा कर देते हैं तो जो कॉमन करेक्टर थे वो तो कम हो गए ना, अब उतना अलग तो नहीं कर सकते, एक दो करेक्टर इनके मिलते जुलते होंगे। फिर कैट्स भी मिला देंगे तो अब कितने करेक्टर बचेंगे, एक दो करेक्टर बचेंगे जो इनसे मिलते जुलते होंगे। कॉमन करेक्टर तो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देखो लिखा भी हुआ है लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो जितना नीचे टैक्सा होगा, जितनी ज्यादा अगर हम स्पीसीज लेवल पे चले जाएंगे तो बहुत सारे करेक्टर उनमें मिलते होंगे। अगर लोयन की बात करेंगे तो सारे जितने लोयन होंगे सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, पर जितना ऊपर आते जाएंगे करेक्टर कम होते जाएंगे। हायर द करेक्टर ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू ऑर्डर इन ए टैक्सा इन सम लेवल। अब समझो जितना ज्यादा हायर कैटेगरी में चले जाएंगे हमें नहीं पता उनके बीच में रिलेशन क्या रहने वाला है, समझो ऐसे समझो। जैसे हम कहते हैं लोयन,
ओके तो आप ये पता कर सकते हो कि ये लोहेन है, 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 हमें पता चलता रहता है। थोड़ा और ऊपर हायर लेवल पे चल दिए जाते हैं तो पैंथेरा, पैंथेरा में तो पता नहीं चल रहा ना कि इनमें बीच में रिलेशन क्या है, और हायर पे चले जाते हैं। अब कैट में और इनमें क्या रिलेशन बचेगा, और हायर पे चले जाएंगे तो डॉग और कैट के बीच में तो क्या रिलेशन होता है, और हायर चले जाएंगे तो ह्यूमन कैट और लॉयन में क्या पता ही नहीं चलेगा ना, तो ऐसे इनके बीच में रिलेशनशिप का पता नहीं चलता है। ओके जितना हायर चले जाते हैं, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे अगर हायर कैटेगरी पे आप पढ़ने लगोगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मैं कह दूं आप एनिमल्स पढ़ लो, कितने एनिमल्स पढ़ोगे, पर मैं आपको ये कह दूं केवल लॉयन के बारे में पढ़ लो तो आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज मिलती जाती है, तो आपके लिए चीजें पढ़ने में आसान हो जाती है। ओके अब यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, देखो इनका कॉमन नेम क्या होता है, मेन हाउस फ्लाई मैंगो एंड व्हीट। ओके बायोलॉजिकल नेम इनके दिए हुए हैं होमोसेपियन मस्का डोमेस्टिका मैग्निफेरा इंडिका एंड ट्राइटिकम एस्टिवम। ओके यहाँ पे देखो होमो आपका क्या आ जाएगा, जीनस आ जाएगा, सेपियंस आपके डोमेस्टिका आपका इंडिका, एस्टिवियम वगैरह क्या आ जाएगी आपकी स्पीसीज आ जाएगी। तो स्पीसीज बताने का जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट करें जीनस से। जीनस में देखो यहाँ पे इसका होमो, इसका मस्का, इसका मैग्निफेरा, इसका ट्राइटिकम। फैमिली में इनकी याद रखनी है, फैमिली कौन कौन सी है, मेन की होती है होमिनिडी, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी घूमती रहती है उसकी मस्केडा, मैंगो का अनारकेडिसी और यहाँ पे पोइसी वीट की। अब ऑर्डर में देखो प्राइमेटा डिप्टेरा सेपिंडल्स एंड पोयल्स। क्लास अब भी अलग है मेमल्स इंसेक्टा डाइकोटलीडन एंड मोनोकोटलीडन। एंड यहाँ पे फाइलम अब भी अलग है कोडेटा अर्थ्रोपोडा एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब देखो इनकी क्लास एक साथ आ चुके हैं, फाइलम इनका एक साथ आ चुका है, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ओके यानी इनका तो डिवीजन होता है क्योंकि ये प्लांट्स की बात करिए तो इनका डिवीजन सेम आ चुका है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर जाएंगे आगे किंगडम में तो ये सारे के सारे आपके मेन और हाउस फ्लाई किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके एनिमल किंगडम के अंदर, और ये एंजियोस्पर्म और आपके दोनों एंजियोस्पर्म किसके अंदर आ जाएंगे आपके प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएंगे। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाता है जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ओके, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।